2019 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, आय पर आधारित नहीं। ऐसे में इस एक्ट को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी और इन बदलावों को करने के लिए अनुच्छेद 15 यानी कि एक्ट 15 और एक्ट 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों एक्ट्स में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। आइए जानते हैं इस एक्ट से किन किन को मिलेगा आर्थिक आधार पर लाए जाने वाले आरक्षण का लाभ। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, जिनके पास शहर में 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 100 वर्ग गज से कम का घर हो, जिनके पास कस्बों में 200 वर्ग गज से कम का घर हो, जिनके पास निगम की 109 गज से कम की अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, और वो जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते। इन सभी आधार पर सवर्ण वर्ग के आर्थिक आधार को देखते हुए 10% आरक्षण मिलेगा। क्या है आपकी राय आरक्षण के इस अहम फैसले पर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आपको मोदी सरकार का ये फैसला कैसा लगा ये भी जरूर बताएं।